हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रात के 11:30 बज चुके हैं और ये क्रेप का ब्लैक कलर का कपड़ा है और बिल्कुल हल्का सा ब्रश को पूंछ के पानी लगाना है थोड़ा बहुत। और तुरंत पानी लगाते ही पेंटिंग शुरू नहीं करनी, थोड़ा सा इसको 25% सूख जाने दो, ठीक है। और अब मैं आपको फूल बनाना सिखा रही हूँ, एक बहुत ही सिंपल और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी ये मत सोचो कि मैं थोक के हिसाब से पेंटिंग्स आपको सिखा रही हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। मैं ये देख रही हूँ कि मैं रोज वीडियो डाल देती हूँ, चलो इसीलिए कि मैं जो जो कुछ बना रही हूँ तो आपको बता पाऊँ। अब मेरे पास ये वाइट कलर है और इस बार मैं कैमल का कलर यूज कर रही हूँ और जो नीले ढक्कन वाले कलर हैं वो मुझे मिले नहीं। और इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं मिलाया, एज इट इज ले रही हूँ क्योंकि मैंने फूल के अंदर अंदर पानी लगा लिया है और ऊपर ऊपर जो चला रही हूँ वो मेरा ब्रश गीला है, ठीक है। अब जो फूल की शेप है वो बना रही हूँ, अंदर अपने आप देखो अपने आप ही वाइट कलर फैल रहा है। मेरा टॉपिक आज ये है कि पेंटिंग में क्रैक क्यों आ जाता है। बहुत लोगों का मैसेज आया मेरे पास और कि हमें डार्क कलर होते हैं जो ब्लैक कलर या कोई भी कलर पर्पल, उसमें बहुत सारा कलर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। अब मेरे को देखो ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ, ब्लैक की कलर है कुदरती तो मुझे लगा चलो मैं, और मैंने वो संभाल के रखी है, एक आजकल में किसी ने पिक्चर भेजी थी। अब देखो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ पानी से और कोशिश करो दो कोट करने ही ना पड़े, इस मेथड से कर लो। क्रेप का सूट हो ना तो आप 2-3 कोट करो ही मत, सीधा सेंटर में हल्का सा पानी लगाया ताकि जहां मिक्सिंग करनी है वहां गीला पड़ रहे। और मैंने देखो कुछ भी कलर नहीं किया, सिर्फ यहाँ किनारों पे किया था और अंदर की तरफ पानी से अपने आप ही अंदर जा रहा है और ऊपर वाले कलर को मैं धीरे धीरे कि वहां मोटा मोटा ना हो जाए, देखो ऐसे करके सारा मिक्स कर रही हूँ। अब मैं लूंगी ऑरेंज कलर, ठीक है, ये गीले गीले में मिक्सिंग करना है, कोई पानी नहीं लेना, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पानी हमने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, ज्यादा नहीं लगाना थोड़ा थोड़ा। अब इसको मैंने मिक्स कर रही हूँ, बस ये गीले गीले में जितना कलर आपसे लग गया लग गया, भले इसमें से काला काला दिखता रहे कोई बात नहीं। और देखो मैं आपके सामने कितना थोड़ा कलर ले रही हूँ, बस कलर थोड़ा जरूर ले रही हूँ लेकिन बिना पानी का कलर ले रही हूँ, ठीक है। आज ये मैंने नया तरीका वो खोजा है, वरना मैं भी 2-2, 3-3 कोट करती थी, लेकिन वो अगर मैं आपको तरीका समझाऊंगी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और ये मैंने तरीका इसलिए खोजा, मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है और ये सूट जल्दी में देना था मुझे, तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया एक दो फूल पे और ये कारगर हो गया मेरे से। तो अब ये देखो क्या किया है मैंने, डबल कोट में टाइम भी ज्यादा लगता है, रंग भी ज्यादा लगता है, मोटा मोटा भी हो जाता है। अब ये आपके सामने देखो कितनी अच्छे से क्लियर मिक्सिंग होगी और ये कुछ रात का टाइम है ना। अब ये अभी गीला है ना, गीले गीले में
सारी मिक्सिंग कर लो और फिर फिनिशिंग जो है हल्के ब्रश में बाद में भी हो जाएगी। जिस तरह का ये डिजाइन है लगभग ये 50% बन चुका है, 50% ये फिनिशिंग के दौरान करके आएगा। ठीक है, अब अच्छे से उनके क्रैक्स क्यों पड़ते हैं, अब देखो मैं ब्रश को कितना ऐसे कर रही हूं, कहीं पर भी मोटा पतला ना हो, अंदर कपड़े के ऑब्जर्व हो जाए, पतला पतला कलर कर रही हूं तो वो पपड़ी नहीं बनेगी, कपड़े के अंदर ही समा जाएगा कलर। ठीक है, एक मैं बात आपसे कह रही थी कि देखो मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकती, बीच बीच में कभी मेरी तबीयत नॉर्मल हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी कैसे, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी वो सुबह सुबह, पहले तो वो शाम को लेने आना था, मेरी तबीयत खराब हुई बीच में, बना नहीं, मैंने कहा सुबह सुबह ले जाना, और तब भी देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी मेरा एक घंटे का काम रहता भी है सूट पर, मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, और मेरा इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में 1000 रुपये मेरा महीने का भी लगता है। ठीक है, वाईफाई सिर्फ मैंने इसीलिए लगवाया कि आप तक वीडियो पहुंच सके, नहीं तो इतनी इतनी बड़ी वीडियो फोन चार्ज में जो आप कराते हैं उसके उसमें नहीं पहुंच सकती, वो मैं नजायज खर्चा 1 महीने का कर रही हूँ, और मुझे कोई यूट्यूब से अभी कोई इनकम नहीं मिल रही है, ना ही मिली अभी, क्योंकि मेरी वोटर आईडी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, नाम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक थी, तो मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, ना आपसे कोई पैसा ले रही हूँ, तो आपका इतना तो सहयोग बनता है कि मुझे बहुत आगे तक जाने में ही हेल्प कर दो, ताकि मुझे जो पैसे मेरे लग रहे हैं वो, आजकल की महंगाई में पैसों से कुछ नहीं बनता, कईयों को लगता होगा कि हाँ मैं बहुत कमा रही हूँ, बहुत ऐसे कर रही हूँ, नहीं, लगभग उतनी ही मेहनत हो जाती है, कपड़ा लाती हूँ, फिर आती हूँ जाती हूँ, फिर वो घर पे कितनी जरूरतें हैं, इसलिए कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और बस इतना ही जो आप YouTube पे सीख रहे हो उसी में ही संतुष्ट रहा करो, प्लीज प्लीज बस व्हाट्सएप पर भी एक एक छोटी छोटी डिटेल ये वो मुझे परेशान मत किया करो, और सभी अपने लिंक शेयर भी करते रहते हो, ये मेरा लाइक कर दो, मेरा यूट्यूब पे बोलकर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ये देखो अभी मेरे से इतना ही काम हो जाए, मैं वीडियो बना दूं, आपके पास पहुंचा दूं, और ऊपर से ये पेंट कर लूं, घर का काम भी हो जाता है, बड़ा मुश्किल है ना सब कुछ। आपने जिन्होंने भी अपने चैनल बनाए हैं मेरी तरह, जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप रिक्वेस्ट करते रहो, हालांकि मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता है, वो किसी के आगे भी रिक्वेस्ट नहीं करने देते, पर वो भी बच्चे हैं, देखो धीरे 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 जो मिक्सिंग करनी है ना इसके गीले गीले तक कर लो, जब सूख जाए इस पर फिर दोबारा कलर मत करो। ठीक है, नहीं तो वो पपड़ियां जम जाएंगी कपड़े के सतह पर, और दूसरा धोना जरूरी है कपड़ा, धोके किया करो, आयरन किया करो, है ना, या हल्की सी धूप में सुखा दो, ये थोड़ी सी गर्मी हीट से ये कलर पक्के होते हैं ना। अब मेरे को मैसेज करके बताओ कि कौन कौन मेरे लिए कोशिश करेगा, मेरे चैनल को अपने स्टेटस पे लगा दो,
अगर आप मुझे अपनी गुरु मानते हो, सीख रहे हो, तो इतना सा तो मेरी हेल्प कर ही सकते हो आप। स्टेटस पे लगा दो, कोई ना कोई तो देखेगा ही। ये देखो इस तरह से ये फिनिशिंग जो करनी है ना, बिल्कुल पतले पतले कलर से और थोड़ा बहुत करनी है, वो भी सूखने के बाद। अब इसकी फिनिशिंग अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी कि पानी लगाया ना, अभी तो फिर भी गर्मियां चल रही हैं, सर्दियां आने पर तो मुझे वीडियो बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे का स्टेप कैसे बताऊं, वो कलर ही नहीं सूखता कपड़े पर। अभी देखो गर्मियों में तो कई बार प्रेस भी ना करो कपड़े पर, किसी किसी पर तो भी चल जाता है, सर्दियों में तो बहुत जरूरी है प्रेस करो, उसके बैक साइड हीट मिलनी चाहिए कलर्स को। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने ये ब्रश ले लिया है 8 नंबर का, थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर ही देती हूँ आपके सामने जितनी होती है। एक मुझे किसी ने बोला था कि हम तो जो 8 नंबर का गोल ब्रश लेते हैं वो चोंच बनी होती है आगे से, आपका तो ऐसा ब्रश है। तो ये मेरा ब्रश काम कर करके थोड़ा घस जाता है ना, मैं भी जब लेने गई थी नया ऐसा ही था। आप 2-3 ब्रश कट्ठे यूज किया कट्ठे चलाया करो ना, जो बारीक काम जहां करना हो वहां पर एक ब्रश बस बारीक काम ही कर किया करो उससे, और जिसमें थोड़ा सा मोटा काम करना हो वहां पर वो ब्रश, जहां ज्यादा मोटा करना हो निशानी रख लो ना इस ब्रश से करना, फिर वो ब्रश वहीं के वहीं टिक जाते हैं। अभी बारीक काम के लिए थोड़ा यूज होएगा ब्रश तो वो बारीक ही रहेगा काफी टाइम तक, और जिसको ज्यादा फ्लैट कामों के लिए यूज करने लग जाओगे तो वो फिर ज्यादा फ्लैट बन जाएगा, और कोई इसमें वो नहीं है। अब इसको और आगे डेकोरेट करते जाओ। मुझे व्हाइट सिल्वरी नहीं मिल रही, शायद ये है व्हाइट और सिल्वर में पता ही नहीं लगता डिफरेंस अंधेरे में। ये हाईलाइट करने के लिए फिनिशिंग, ये इसको फिनिशिंग कहते हैं कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब ये व्हाइट कलर ऐसे करने से ये पत्ते वगैरह हाईलाइट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। जब ये सूख जाएगा इसमें मैं स्पार्कल वगैरह लगाऊंगी, ठीक है, अभी गीला है तो। ओके फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से जितना और धीरे धीरे इसको फिनिशिंग करते रहेंगे, और वो देखो दुपट्टे पर अभी काम चल रहा है, सूट में भी काम चल रहा है। और ओके फ्रेंड्स, अब मेरे देखो मुझे कितनी नींद आ रही है फिर भी मैं काम कर रही हूँ, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मतलब मुझे खुशी होती है जो वीडियो में एकदम 1K 2K चले जाते हैं ना एक दिन में, और जो लेस रह जाते हैं 500 से भी तो मुझे बहुत दुख होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जरूर जरूर कोशिश करो।